SBS News, सच का साथी। मैं समरपाल सिंह, जन स्वास्थ्य रक्षकों का प्रदेश का वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमरवास है, और हमारा मुद्दा है सरकार से जल्द बहाली का, कि आचार संहिता से पहले हमारा मुद्दा जो है ये हल हो जाना चाहिए, हमारी बहाली हो जानी चाहिए। तो हम सरकार से जो है इसका निवेदन करते हैं, इसी विषय में हम आज यहाँ मीटिंग की है कि शासन ने हमारी मुकाबला करते हुए मुद्दा क्या था जन स्वास्थ्य रक्षकों की बहाली। हमने सन 77 से कुछ नियुक्तियाँ हुई थी और कुछ सन 82 में राज नारायण जी ने एक योजना चलाई थी जिसका नाम था ग्रामीण जन स्वास्थ्य रक्षक। उसके तहत हमें तीन महीने का प्रशिक्षण सरकारी अस्पताल से मिलने के बाद हमें जो है सरकारी अस्पताल से हर तीसरे महीने 2 किट दवाइयों की मिलती थी, एलोपैथिक और आयुर्वेद। हमने 20 साल अपने देहात में ये जन स्वास्थ्य रक्षकों ने अपने ग्रामीण अंचल में 20 साल सरकार की सेवा की है, और उन 20 साल में उसका मानदेय केवल 50 रुपये रहा बेचारे का, और बीच में रोक भी दिया गया था। और सन 2002 में इस योजना को अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री जी जो स्वर्गीय हैं इस समय, उन्होंने इस योजना को बंद कर दिया। तो हमारा जो संस्था थी उसमें यूनियन काफ़ी मजबूत थी, तो उन्होंने अपना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का सहारा लिया। हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में हमारा फैसला दिया। तब हमने सरकार जो आदेश आया है उस पर क्या कानून व्यवस्था क्या कह रही है, कानून व्यवस्था ये कह रही है कि अखिलेश सरकार में हमारा बहाली का मुद्दा बिल्कुल करीब आ गया था, लेकिन चाचा भतीजे में झगड़ा होने के कारण हमारा नसीब भी खोटा हो गया और हमारी संस्था बहाल नहीं हो पाई। तो क्या इस सरकार में आपने योगी सरकार में कुछ ज्ञापन दिया? और हाँ जी, योगी सरकार में हम सराहना करते हैं इस सरकार की, योगी जी की, और हमारे मंत्री हैं स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ जी और रीता बहुगुणा जोशी परिवार कल्याण मंत्री, इन्होंने और डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त कार्यभाग विशेष अधिकार समिति जो मुरादाबाद मंडल से और बरेली मंडल से प्रभारी हैं और मंत्री का दर्जा उनके पास है, उन्होंने विधान परिषद में भी ये मुद्दा उठाया था। आज हमने उनकी बहाँ और पैर पकड़ लिए कि आपकी दोनों तरफ सरकारें हैं, आप अखिलेश सरकार में विपक्ष में थे और इस समय आप इस सरकार में, तो हमारा ये मुद्दा जो है आप जल्दी से जल्दी हल कराइए। तो उन्होंने बहुत सराहनीय है उनका काम, जयपाल व्यस्त जी का, कि उन्होंने जो है हमारा मुख्यमंत्री जी को सीधा लेटर लिखा, उनसे सिफारिश की, रीता जी से सिफारिश की, परिवार कल्याण मंत्री सिद्धार्थनाथ स्वास्थ्य मंत्री जी से उन्होंने जो है हमारी सिफारिश की है, और इसमें एक डॉक्टर नौसिंह है प्रांतीय महासचिव किसान यूनियन के, दोनों में अभी भी जन स्वास्थ्य रक्षक, उनके यहाँ इस समय रज्ञान सैंपल विशेष सचिव है और एक सचिव हमारे अमित घोष जी रहे। इन दोनों सचिवों ने हमारे लिए एक जीवन दान दिया जो हमारी संस्था को बहाल करने के लिए उनके कर कमलों द्वारा इतनी मेहनत उन्होंने हमारे साथ की है कि मरी हुई फाइल को हमारी को जिंदा कर दिया। नहीं तो हमारे जो गुट बने हुए थे, हमारी जो यूनियन बनी हुई थी, वो केवल उस पर धरना प्रदर्शन किया, 29 दिन तक धरना प्रदर्शन किया, लेकिन ज्ञापन था, कोई उनके पास कोई कागज नहीं था। तो ऐसे हमारी यूनियन में भी थोड़ी कमी रही है, जिन लोगों ने हमें हमारे चंदे को जो है गुमराह करके हमें लूटा भी है, लेकिन आज हमारे बीच में हमें केपी सिंह ऐसे महारथी मिले हैं, प्रदेश अध्यक्ष मिले हैं, जिनके नेतृत्व में आज हम बहाली के कगार पर हैं और सरकार की हम सराहना करते हैं। बार बार धन्यवाद योगी जी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी, हम सभी जन स्वास्थ्य रक्षक तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं, और कहां तक इस जुबान से हम उनकी बढ़ाई नहीं कर सकते, करते रहेंगे आजीवन उनके आभारी रहेंगे कि हमारे बच्चों को भी रोजगार देने के लिए तत्पर हैं, और हमारा बहुत जल्दी जो है वो इसमें बहाली का आदेश उनके मुखारबिंद से हमें सुनने को मिलेगा। तो आज हमारा प्रदेश, पूरे प्रदेश में समस्त सीएमओ को आसन जो ये शासन आदेश जो दिया है, इस शासन आदेश में समस्त सीएमओ हमारे जो है सर्वे करा रहे हैं, कितने हम मृतिक हैं, कितने हमारे जिंदे भाई हैं, कितना आपका गजट निकला जाके कुछ कितने लोगों की जानकारी हुई जी, कितने लोगों की जानकारी हुई है कि सर्वे में अभी सर्वे चल रहा है, और हमारी संख्या 87,500 उस परिवार को लाभ मिल रहा है जी लाभ मिलेगा हर परिवार को, 87,500 हमारी संख्या है, मृतक हो गए तब भी उतनी संख्या, क्योंकि हमारे मृतक भाइयों के आश्रित इसमें आ जाएंगे, और हमें सरकार मानदेय देना चाहती है, 70 साल तक हमसे काम लेना चाहती है, हम काम करने को तैयार हैं, और हमारा मानदेय भी हम सरकार से कहते हैं कि एक सफाई रोजगार का भी जो मानदेय है 20,000 है, 18,000 है, तो हमारा भी 15,000 से ऊपर
जो है सरकार हमारा मान दे दे, हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। तो हम बार बार बधाई देना चाहते हैं योगी जी को और प्रधानमंत्री जी को और जितने हमारे सारे ये मंत्री हैं इनको भी हम बधाई देते हैं और इन्हें धन्यवाद देते हैं, पत्रकारों का स्वागत कहते हैं और पत्रकार बंधुओं का तो इसमें विशेष योगदान रहा है और हमेशा आपका योगदान रहेगा, हम आपके भी आभारी रहेंगे। जन स्वास्थ्य रक्षक जिंदाबाद।